वेस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर अशोक मिश्रा ने झाबुआ जिले के रेलवे स्टेशन का दौरा किया। उन्होंने मेघनगर और बामनिया रेलवे स्टेशन की साफ सफाई को देखा, साथ ही पैसेंजर ट्रेनों के स्टॉपेज को लेकर अपनी मांग रखी। इस दौरान ग्रामीणों ने रेलवे स्टेशन और पैसेंजर ट्रेनों की समस्याओं को लेकर बताया। जीएम साहब के बम्बई से हमारे इस क्षेत्र में दौरा है, रतलाम जोन में। हमारे पूरे नगर के नगरवासियों के छात्र बच्चे पढ़ते हैं जीवन ज्योति और उसका अपने मिशन स्कूल में, उनको रोज़ जाना आना पड़ता है और वही ब्रिज 5-6 किलोमीटर के राउंड मारना पड़ता है। तो जो जहाँ पुराना फाटक है वहाँ पे अंडर ब्रिज हो, सारे साधन माने अपने आना जाना, और मेघनगर ऐसा लगता है कभी एक तरफ कट गया है का जो है जरा सा जीरो पॉइंट पे, यहाँ पे फाटक के स्थान पे अंडर ब्रिज हो, निर्माण हो, ये बात है मैंने रखी है। अमृत स्टेशन में दोनों तरफ की एक तो एंट्री ठीक की जाएगी हम लोग की तरफ से। प्लेटफॉर्म नंबर एक की तरफ जो वेटिंग हॉल है, जो गुड शेड है, वहाँ एक नया वेटिंग हॉल बनाया जाएगा जो कि अभी नहीं है। टॉयलेट फैसिलिटी दी जाएगी। उसके अलावा अमृत स्टेशन के अलावा गुड शेड जहाँ है उसको थोड़ा इम्प्रूव किया जा रहा है। फुल रेक साइडिंग बनाई जाएगी, उसमें पीने के पानी की व्यवस्था, टॉयलेट, और अगर अभी देखते हैं कितने रेक आते हैं उससे मजदूरों के नहाने की व्यवस्था का भी आगे प्रोविजन है। देखते हैं रेक कितने आते हैं, वो नंबर में थोड़ा डिस्प्यूट है अभी हमको जो बताया गया है। उसके अलावा एक बड़ा 12 मीटर का एफओबी दिया जाएगा दोनों तरफ जोड़ने का, और दोनों तरफ टिकट खिड़की का भी प्रावधान किया जाएगा। प्लस स्टेशन पे कोच इंडिकेशन बोर्ड और ट्रेन इंडिकेशन बोर्ड लग रहे हैं।